सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ग्राम सभा के मंजूरी के सिवाय नहीं कोई माइनिंग के लिए जमीन दे सकते हैं, नहीं कोई प्लांट के लिए, लेकिन फिर भी जो कानून का की अवमानना कर रहे हैं वो ऐसे मूल निवासी आदिवासियों की, प्रकृति पर जीने वाले सभी समुदायों की, उसमें मछुआरे हैं, पशुपालक हैं, जंगलवास के, इन सब की अवमानना कर रहे हैं। और ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सीजेआई रमन्ना ने अभी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पर बहुत बोझ डालते हैं सरकारें, क्योंकि वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं। तो यही हो रहा है ओडिशा में, जो प्राकृतिक समृद्धि है, जो संपदा है, उसको लूटते लूटते लोगों की जिंदगी और आजीविका लूटी जाए। वह समुन्दर, मछली, पानी क्या क्या प्रभावित होता है वो किसी को जानकारी सरकार देती है क्या? वो प्रफुल्ल सामंतराय जैसे पर्यावरणविद और विविध संगठनों के साथ ही PUCL के वो किए वो ही दे सकते हैं, और लोगों को जानकारी देकर उनकी सहमति लेना, प्री प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मजा की तुलना में तो आप देखें तो यहाँ पुनर्वास हुआ ही नहीं है। पैसा देना या उखाड़ कर दूसरी जगह घर के लिए छोटा सा टीन शेड देना, ये भी पुनर्वास नहीं। पर नर्मदा में भी 36 साल संघर्ष करके हमको 50,000 परिवारों का पुनर्वास मिला, पर नर्मदा ही गायब हो गई है, दूषित हो गई है, बर्बाद हो रही है। और ये तो अभी पर्यटन का सोचते हैं, बांध का नहीं सोचते हैं, और जिनको लाभ मिलना था लाभ नहीं मिल रहा है, तो फिर विकास से मिलता क्या है और होता क्या है?